اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کلام الہی قرآن مجید و فرقان حمید میں جا بجا موجود ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے محاسن و کمالات کا تذکرہ فرمایا ہے اسی سنت کو صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین صالحین وغیرہ نے آج تک جاری رکھا ہے بلکہ آنے والے صبح قیامت تک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جاری وسار رکھیں گے۔ الحمدللہ امسال بھی سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسک و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ ناظرین آپ کو اشارہ کر دیں کہ ملک بھر میں جاری سینیٹری پروٹوکول کے چلتے ایک مختصر محفل کا اہتمام سنی رضوی اولیاء مسجد میں منعقد کیا گیا۔ مختلف علماء نے یوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسكينا للشير تو بفي الله تبارك وتعالى سو حمد تو بفي الله تبارك وتعالى سو تسبيح تو بفي الله رب العالمين سو إلوز صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا سینے سے لگائی اس کے بعد کیا ہوا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب سے میں نے وہ چادر مبارک سینے سے لگائی میں آقا کریم علیہ السلام کی ایک بھی لفظ نہیں بھولا بلکہ میں نے جب سے وہ چادر لگائی مجھ میرے سامنے اگر کوئی بھی بات کرتا تھا وہ ساری گفتگو میرے ذہن میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔
सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यदि कहा सबके फल ले उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शे नहीं, अल्लाह तो मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे, अब मैं जानू और उम्मत जाने। रब्बे हमली उम्मत, यहां से पता चला कि रसूल आने के वक्त में ऐलान कर रहे हैं कि मैं नबी बनकर के आ रहा हूं, उम्मत का रसूल बनकर के आ रहा हूं, उम्मत का नबी बनकर के आ रहा हूं। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जुलूसे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाज़ाब्ता मजलिस का आगाज कलामे पाक की चंद आयत मुबारका के तिलावत से किया गया, और उसके बाद सुनी रज़वी औलिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना सरफराज नईमी रज़वी दामद बरकात मालिया ने ये ईमानी बयान फरमाया, बिलयकीन देने वाला अल्लाह ताला है और तकसीम करने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत काब बिन मालिक रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब लोगों को उठाया जाएगा, मैं और मेरी उम्मत एक टीले पर होगी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे सब्ज रंग की चादर का लिबास पहनाएंगे, फिर मुझे इजाज़त दी जाएगी, बस मैं जो अल्लाह चाहेगा कहूँगा, और ये मकाम महमूद है। पेश खिदमत है इरफानी बयान बज़बानी मौलाना सरफराज नईमी रज़वी दामत बरकात मालिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
कोनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अजीज़ान मोहतरम, ये महफिल मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ते बासादत के मौके पर इनेकाद इस महफिल का किया गया। आज वो तारीख है जिस तारीख में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इस मीलाद की बड़ी बरकतें हैं। शमशुद्दीन जजरी अलैहि रहमा अपनी किताब के अंदर मीलाद के खवास से गिनवाते हुए लिखते हैं, मिन खवासी ही अन्नहु अमानुन फिल आमी। आप फरमाते हैं, अल्लामा शमशुद्दीन जजरी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जिस साल के अंदर मीलाद आका करीम अलैहि सलातु वस्सलाम का मनाया जाता है, तो जिस साल आपका मीलाद मनाया जाता है, जहाँ पर मीलाद मनाया जाता है, आप फरमाते हैं अमान फिल आमी, पूरा साल वो जगह पीसफुल और अमन व अमान वाली हो जाती है। तो ये महफिल मीलाद की बरकतें हैं। अल्लाह से दुआ है तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, दुनिया के अंदर आप सर्वे कीजिए, जायज़ा लीजिए सारी दुनिया का, तो हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू समथिंग इन वर्ल्ड, समवन वांट्स टू सक्सेस एंड समवन वांट्स प्रोग्रेस। कोई इंसान पैसा चाहता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। पूरी दुनिया का आप सर्वे कर लीजिए, हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, मांगता है, तलब करता हुआ नज़र आता है सारी दुनिया के अंदर। कोई पैसा चाहता है, कोई इल्म चाहता है, किसी को तरक्की चाहिए, कोई ओहदे किसी ओहदे पर हो वो चाहता है मुझे इससे बड़ा ओहदा मिल जाए। हद ये है, हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। अब जब हर इंसान कुछ चाहता है, तो ऐ मौला तबारक व तआला, इस दुनिया के अंदर हर इंसान का हमने जायज़ा लिया, सर्वे किया, हर इंसान कुछ ना कुछ चाह रहा है, तलब कर रहा है। मौला तबारक व तआला, देने वाला तो तू हकीकी है, हकीकी मालिक तो ही है, मगर इस दुनिया के अंदर कौन सा तेरा ऐसा वसीला है जिसके पास हम जाएं, वो ये कहे कि मैं इस दुनिया में लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों को तकसीम करने के लिए आया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब हमने देखा, सर्वे किया, तो आवाज़ आई कि आप जो है इंडिया को छोड़िए, अफ्रीका को छोड़िए, अरबिस्तान जाइए, मक्का की सरजमीन पर अब्दुल्लाह के घर में, आमना की गोद में मदीने का दुलारा आया है। दुनिया कहती है हम लेने के लिए आए हैं, मदीने वाला कहता है मैं देने के लिए आया हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने नबी को, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ने नबी को मालिक मुख्तार बनाया। आका फरमाते हैं अल्लाह मौतीवाना कासिम, देने वाला रब ही है मगर तकसीम मैं करता हूँ। सारे खजाने, सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर दी हैं। मैं जिसको चाहूँ उसको दूँ और जिसको चाहूँ उसको ना दूँ, हर चीज़ का मैं मालिक हूँ। और दुनिया की चीज़ों का ही नहीं बल्कि अल्लाह ने मुझे जन्नत का भी मालिक बना दिया है। मैं जिसको चाहूँ उसका दाखिला जन्नत में फरमा दूँ और जिसको चाहूँ उसको जन्नत में ना भेजूँ। प्यारे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए, मैं सिर्फ इशारा करता चला जाऊंगा, आप समझते जाइए। आप देखिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा है, आका अपने उम्मतियों को जन्नती बना रहे हैं। इतना ही नहीं, आप फिर देखिए, आगे चलिए तो देखिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अबू बकर फिल जन्ना,
उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, सारे अशरा मुबशरा को जन्नती होने की दुनिया ही में बशारत दे रहे हैं। मालूम होता है हदीस मुबारक से कि प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को हर चीज का मालिक बनाकर भेजा था। इसीलिए तो शायर कहता है कि मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब आप एक चीज जहन में रखिए कि अल्लाह ने नबी को हर चीज का मालिक बनाया है, हर चीज का मुख्तार बनाया है। इस चीज को जहन में रखिए और आप हदीस सुनिए। हजरत मुहतरम जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, अबू हुरैरा की जात वो जात है कि आपसे आपे करीम अलैहि सलातु व सलाम से आपने 5373 अहादीस को जो है वो मरवी किया है। आप इतने अहादीस मुबारक के रावी हैं, 5373 5373 अहादीस मुबारक के रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। दूसरे नंबर पर अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं, तीसरे नंबर पर अम्मा आयशा हैं। ये तीन सहाबा, दो सहाबी और हजरत अम्मा आयशा, ये तीन अशख़ास हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आपे करीम अलैहिस्सलाम से अहादीस मुबारक को रिवायत किया है। अब अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का कैसा अकीदा है आपको मैं बता दूं। सहाबा कैसा अकीदा रखते थे नबी के इख्तियारात नबी पर, नबी के मालिक को मुख्तार होने पर। हजरत अबू हुरैरा आपे करीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, मुअद्दब बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्मा मिनका हदीसन कसीरा, या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत ज्यादा हदीसें सुनता हूँ मगर प्यारे आका भूल जाता हूँ। मैं जो है जितनी हदीसें आपसे सुनता हूँ, I hear a lot of ahadees mubarakah from aqa-e kareem alaihi salatu wassalam but I forget ya rasulullah, main bhool jata hu mere aqa, main ye chahta hu ki main koi hadees nahi bhoolu। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा फिर बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है, क्या होना चाहिए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरजू है, ऐ मेरे प्यारे आका मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितनी अहादीस मुबारक आपसे सुनता हूँ या रसूल अल्लाह आज के बाद मैं कभी नहीं भूलूँ, कभी नहीं भूलूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा उबसुत रिदा का, एक चादर मुबारक अबू हुरैरा ओढ़े हुए थे। आका फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा इस चादर को उतारो, उतारने के बाद मेरे सामने इस चादर को फैला दो। अबू हुरैरा ने वो चादर फैला दी। आपे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से इस तरह से लिया और उस चादर में डाल दिया, दो मरतबा इस तरीके से किया, उस चादर में डाल दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आपे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फबसतुहु, ऐ अबू हुरैरा तुम इस चादर मुबारक को अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा ने चादर उठाई और उठाने के बाद अपने सीने से लगा ली। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सीने से लगाई, उसके बाद क्या हुआ, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि उसके बाद जब से मैंने वो चादर मुबारक सीने से लगाई, मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक भी लफ्ज़ नहीं भूला, बल्कि मैंने जब से वो चादर लगाई मुझ मेरे सामने अगर कोई कोई भी बात करता था वो सारी गुफ्तगू मेरे जहन में महफूज हो जाया करती थी, मेरे जहन में बस जाया करती थी। हजरत मोहतरम अब अबू हुरैरा से पूछते हैं, ऐ अबू हुरैरा जब आका ने हाथ उठाए तो हाथों में कोई चीज थी, जब आका ने हाथ आपकी चादर मुबारक में पलटे तो हाथों में कोई चीज थी। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हाथ उठाए थे तब भी खाली थे, जब चादर में पलटे थे तब भी खाली थे। गोया के अबू हुरैरा का भी अकीदा वही था कि मालिक कौनैन है वो खपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ऐसा मालिक वो मुख्तार जो है सहाबाए किराम आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते थे। अगर मैं नबी के इख्तियारात नबूवत पर अगर सिर्फ हदीसें सुनाने खड़ा हो जाऊं तो हजरत मोहतरम उसके लिए बड़ा वक्त दरकार है। इतनी अहादीस मुबारका जो है वो आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात पर हैं जिनकी कोई तादाद नहीं है। नबी को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाया,
ये चीज जहन में रखिए, मसला जहन में रखिए, हकीकी देने वाला रब तबारक व तआला है, मगर अल्लाह ने कायनात की दोनों जहान की चाबियां नबी को अता फरमा दी हैं। अब नबी जिसको जो चाहे वो अता कर सकते हैं, मालिके को नैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, खाली के कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दो जहां की नेमतें हैं आपके खाली हाथ में। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सहाबा का अकीदा था, जो है अल्लाह से दुआ है तबारक व तआला हम तमाम को आके करीम अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक और नसीब अता फरमाए। आमीन बाखुद दामाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, इस वक्त आप सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद में मुनक़िदा जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर तकरीब सईद की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। बिलाशुबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर तमाम मखलूकात ने अपनी खुशियों का इजहार किया। किस तरह, समाअत कीजिए ये पुरतासिर बयान बज़बानी मॉरिशस के जैद आलिम दीन मौलाना हारून हसन दामद बरकत उमालिया। मगरिब को भी जिस दिन मगरिब पौधे भी डाले मोन بدون هداية بدون توفيق بو سيلبري عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيجير سيلبري عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم c'est revivre les plus grands événements qui viennent arriver dans le monde. Les plus grands événements qui viennent arriver dans le monde, c'est sans doute, d'après nous la foi, nos croyances, nos imams, c'est naissance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et me fin dire qu'il ne peut revivre sans événement. Parce que moment, jour, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui prend naissance, Alhamdulillah, à part une créature qui appelle Shaitan. Tout créature, tout mahlouk qui montrait ce contentement, qui manifestait la joie. Qu'il y ait farishta, qu'il y ait djinn, finjano même, ban joie dans l'air, des animaux dans la forêt, des poissons dans de l'eau, qui montrent ce contentement de naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit tout ça va une créature là, qui montrent ce contentement, et là tout le monde capable de penser comment je fin exprime ce contentement. Nous connaissons Allah Tabaraka wa Ta'ala et nous
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans entre la terre et le ciel, tout peut faire Allah Tabaraka wa Ta'ala sur Hamd, tout peut faire Allah Tabaraka wa Ta'ala sur Tasbih, tout peut faire Allah Rabbul Alamin sur Éloge, tout peut faire Allah Tabaraka wa Ta'ala sur Hamdo Sana. About insan, farista di fiyadi da so faso, jin fiyadi da so faso, pie fiyadi da so faso, ros fiyadi da so faso, banzanimo zot fiyadi da zot faso, kini da malaya, kini da latir, kini da lamir, saken pe fiyadi ibadat, saken pe fiyadi Allah tabaraka wa ta'ala, sur Hamdo Sana dans une façon. Comme ça même, quand nous disons toute créature finit exprime ce contentement, la naissance de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le farista de sa façon, djinn de sa façon, bans animaux dans la terre, bans animaux dans l'air, bans animaux dans des autres, ban plante, ban rose, ban pied, chacun fait montrer son contentement dans une façon. Et ça, fait rester jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi les insans, quand on peut revivre cet événement-là, on peut revivre ce contentement-là, on peut revivre sa naissance-là, on peut revivre sa vie-là, autour de chaque monde, peut exprimer ce contentement de sa façon. Et là, du monde, alhamdulillah, pour lui, et il a de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un petit peu courant. Et là, du monde, il est capable de faire des rakat namaz nafil. Et là, du monde, capable de faire zikrullah. Et là, du monde, peut faire un petit peu tasbih si plus. Et là, du monde est capable de garder rosa, beaucoup de monde me connaît pour qu'il puisse le Nabi sallallahu alayhi wa sallam garder rosa. Et ça aussi est meilleur parce que Allah, ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, pour son naissance, devine garder rosa en signe de remerciement. Quand il demande Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans l'indique qui fait au garder rosa, Allah, ce Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, vient dire pour des raisons au garde rosa dans lundi. Première raison, c'est que dans lundi, on vient prendre naissance, motivé dans cette dunya-là, en signe de remerciement au garde rosa. Nous sommes capables de finir d'un an une fois, Rabbul Awwal, Yawmul Nabi, Nabi Karim, sallam, tous les semaines, tu peux célébrer son naissance. De façon, tu peux garder rosa. Et deuxième raison que Nabi Karim sallam vient donner, qui dans le jour lundi même, première fois que tu recevoir Wahi, c'est la première fois que tu gagnes révélation Coran. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu gardes rosa pour il milad du Nabi sallam dans sa contentement là, pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala, si un djimoun gardes rosa, alhamdulillah. Il a dit qu'on fait la sadaqa, il a dit qu'on fait la khairat, il a dit qu'on fait la donation, il a dit qu'on fait la charité. Chacun a sa façon pour exprimer son contentement et a sa façon pour les remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit qu'on fait ce jour-là, maximum qui est capable de faire le taoud salam de Nabi Karim sallam. Et il a dit qu'on peut faire ce pardon, il peut faire ce djulous, il peut faire ce la possession. Ça aussi, c'est sunnat ben Zahaba, d'une façon pour exprimer le contentement. Parce que Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait l'hijra, qui a fait la Madina, tout le monde a fait. Ben Zahaba a fait un pavillon, ben Zahaba a fait un djulous, ben Zahaba a fait la possession, il a fait accueillir Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le sharif, et alhamdulillah, ça fait être encouragé par Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait un sunnat qui n'a pas de sahaba, mais qui fait encouragé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un sunnat d'Abi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
car elle dit qu'elle vient faire amal devant Nabi Karim, sallam, n'est pas fini à empêcher. Quand il n'est pas fini à empêcher, il n'est fini dans le hadith. Il n'est fini dans le sunnah. Il a prouvé par Nabi Karim, sallam. Mais ça aussi, il est toujours fini à encourager par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, il a dit qu'on fait tasbih, il a dit qu'on fait zikrullah, il a dit qu'on lit le Coran, il a dit qu'on lit l'Akshari, il a dit qu'on peut faire sadaqa, khayrat, il a dit qu'on peut faire julus. Mais alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nous allons dire qu'on fait une façon célébrer Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec jamaat, avec regroupement, avec rassemblement, réunir tout musulman en place. Qui dans sa MFL, il a tiré le Coran aussi, il a zikrul là aussi, il a tasbih aussi, il a Naat Sharif aussi, il a Warad aussi, il a Taqrir aussi, il a Salat wa Salam, il a Darud aussi là-dedans. Fin prend tout, fin réunir une seule place. Et Alhamdulillah, dans une seule chose, il gagne tout. C'est ça, célébration Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons dire, et Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah, nous devons remercier Allah, Rabbul Alameen, qui fait de nous sa destinée. Fait de nous sa destinée. Parce qu'il m'assène bien. Allah, sur Rasul, ça sera une part de qualité qui tient. Fait dire, nous devons célébrer Yom al-Nabi, nous devons célébrer Eid Milad al-Nabi, ça sera Rasulullah, ça sera qui tient. Quand Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ahasan al-Nas. C'est plus joli du monde. Déjà, Nabi Karim, ça sera qui j'ai dit. Ajouat al Nas. C'est un petit plus généré. Troisième qui dit j'ai dit. Wa as hajan Nas. C'est un petit plus courageux. C'est un petit peu plus courageux. Plus joli du monde dans sa mémoire, c'est Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Plus généré dans sa mémoire, qui m'ont dit que plus généré dans sa lémonie, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et qui m'ont dit que plus couragé, qui m'ont dit que plus couragé, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, mes chances, que nous gagnons quand nous pouvons célébrer Yom Nabi, nous pouvons célébrer son naissance, nous pouvons imaginer, veut dire, nous inculquer ces trois qualités-là dans nous. Islam n'a pas fait une jour néglige, Islam n'a pas fait une parler bien, Islam n'a pas fait une jour joli. Islam n'a pas fait que vous n'avez pas besoin de tenir. Islam n'a pas besoin de tenir. Vous n'avez pas besoin de tenir. Vous façon de vivre, vous n'avez pas besoin de tenir. Vous besoin d'un statut, vous besoin d'une personnalité. Vous faites aujourd'hui. Je vois là, tout ne sont même joli. Nabi Karim, ça ne sont pas une question de la comparaison. Mais parfois, vous besoin faire aujourd'hui, l'un très aujourd'hui, c'est même l'église même. Islam cause beaucoup. Le musulman se tenir, le musulman se personnalité. Et le musulman, il besoin d'une personnalité dans lui. Pas sur l'habillement, pas sur façon causée, pas sur façon dimouter, pas sur façon penser, pas sur façon boire, n'importe quoi. Sa personnalité musulmane, personnalité musulmane, bizarre reflétée dans les gens. Et deuxième qualité que musulmane bizarre, c'est musulmane tout le temps les bizarres générés. Et alhamdulillah, sa générosité-là, l'identité musulmane, l'identité musulmane, l'identité musulmane, son fitrat ça. Moussalman, tout le temps, fait générer. Et quand il généré envers lui-même, il généré envers sa famille, il généré envers son voisin, il généré envers toutes les autres communautés, sans distinction, race, couleur, religion. Il généré envers tout. Et c'est ça l'enseignement d'Abi Karim, sallam, où montrer une générosité envers tout. Et troisième, d'Abi Karim, sallam, qui a dit qu'on courage, et son oumma, tu sais, c'est courage. Pas de 400 ça a eu mon Nabi la même, pour la célébration de naissance de Nabi Karim, pour sa bénédiction là, Allah Tabarakawata, pour sauver nos sociétés, pour sauver nos pays, pour sauver tout le monde contre sa corona là, et Inch'Allah, corona pour disparaître. Inch'Allah, corona pour disparaître, nous demandons à Allah Tabarakawata de nous aider, de nous donner. À notre protection avec Allah Tabarakawata, n'importe qui manière, il y a une difficulté, il y a un problème, il y a un taclif. N'importe qui manière, il commence à être hasard pour sauver avec ce hasard-là. Garde-nous vers ma cité même. C'est ma cité qui est capable de sauver nous. C'est ma cité qui est capable de protéger nous. Quand on peut dire ma cité, veut dire qu'on peut aller vers ma cité, veut dire qu'on peut aller vers Allah Tabarakawatamala. Alors, prends toutes les bonnes précautions. En même temps, lis à toi qui n'a pas été créé, sallallahu alayhi wa sallam, financé nous, quand il y a une pandémie qui doit vous aider,
लिया सा दोला अब एक ईमान अब एक यकीन कि इंशाल्लाह उन पाबुगे सवारत अल्लाह के सकिन कहिए उसी अल्लाह तबारक व तआला पाबुद शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन बुदुल लेगे जो ए सारी बेटी के फिर के कारुशी गेट नो इस्लाम गेट नो टी सी की कैन फिर फिर के कारुशी बे कोरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विनती है सिर्फ कि फिर इंतकाल अभी पौधे में अभी कहते हैं पिदेवी दिखे दर्जा शहादत दिखे शहीद नू ते मानो कि अल्लाह तबारा को वतामला दोनों हिदायत दोनों तोहफे पुरफिया अमल लोला ए सब तो कालिते की मोफिंजिया अल्लाह तबारा को वतामला दोनों हिदायत दोनों तोहफे पुरुं एंजिल के साथ आवानो वो मालेना इल्लाह अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किए बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, चाहे वो दिन रात सजदे करता रहे। ये अकीदा आशिकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान ईमान है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनी रज़वी सोसाइटी की जानिब से मुनाक़िदा जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हिस्से के आखिरी मुकर्रर मौलाना फजल रहमान कादरी दामद बरकातुहु आलिया ने हसब मामूल बहुत ही दिलकश और दिलफरेब अंदाज में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात की। عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في عظمته النبي المصطفى عليه التحية والصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما पूछो तो शब और रोज की है इतनी हकीकत एक जलवाए रुखसार से एक सुबह खम से दिल में ये आरजू है ऐ अफजल रज़वी मैं नाते नबी दिखता रहूं अपने कदम से। आपने उलमाए अहले सुन्नत से बारहा सुना होगा कि मोहब्बत रसूल ईमान में तकाजा है, मोहब्बत रसूल रूह ईमान है, मोहब्बत रसूल जान ईमान है। मैंने कहा है इश्क नबी ऐसा ईमान के लिए है रूह जैसे लाजमी जिंदा जान में। किसी ने कहा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, किसी में वो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। मोहब्बत करें रसूल से, लेकिन एक दुनिया का मिजाज है, एक दुनिया का कानून है, एक दुनिया का जहन है कि मोहब्बत हम किसी से करें तो क्यों करें। रीजन वजह कारण सबब तलाश करती है दुनिया, ये काम करें तो क्यों करें। और सवाल पता होता है कि रसूल से मोहब्बत करें तो क्यों करें, तो इस क्यों में बहुत से असबाब हैं, फायदा भी है, लेकिन सबसे बड़ा सबब क्या है, गिव लव टेक लव। वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, बहुत से असबाब है, लेकिन एक सबब क्या है, कोई हमसे मोहब्बत करे तो हम उससे मोहब्बत करें, इंसानियत का तकाजा है हम उससे मोहब्बत करें। अब देखें हमारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, एक लंबा उनवान है, तवील मौजू है, बड़ा तशरी तरफ उनवान है, मगर सिर्फ मैं चंद मिनट में बता दूंगा कैसे मोहब्बत करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में लिबास बशरी में तशरीफ लाए, आपने सुना होगा कि
तशरीफ लाने के बाद में आपने खुदा की बारगाह में सजदा किया। सजदा किया, सजदा किसके लिए होता है? खुदा के लिए होता है। सजदे में क्या पढ़ा जाता है? खुदा की तस्बीह पढ़ी जाती है, वो खुदा का सजदा होता है। लेकिन ये रसूल में सजदा आता है। और आपको एक नुक्ता और दे दूं कि रसूल के सजदा करने से पहले इजाजत नहीं थी कि जमीन के हर खत्ते में आप सजदा कर सके। मेरे रसूल के सजदे से पहले किसी भी शरीयत में ये इजाजत नहीं थी कि आप मकान में, दुकान में, वीरान में, खलियान में सजदा करें। मखसूस जगह होती थी सजदे की। लेकिन मेरे रसूल के इस सजदे ने सारी रूह जमीन को सजदे के लायक बना दिया। जब नबी का एक सजदा पैदा होने के वक्त में सारी जमीन को पाक कर सकता है, तो मेरा ईमान है कि कयामत में खुदा की बारगाह में एक सजदा उम्मत के गुनाहों को पाक कर देगा। सजदा किया, सारी जमीन को, सारी रूह जमीन को सजदे के लायक बना दिया। अब सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सुभाना रब्बियल अला। सभी पढ़ते शाफई व मलिक मालिक हनफी, सभी पढ़ते। लेकिन मेरे रसूल आज सजदे में ये नहीं पढ़ना है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली, ये नहीं कहा रब्बे फिल उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शे नहीं, अल्लाह तो मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे, अब मैं जानू और उम्मत जानू, रब्बे हबली उम्मती। यहां से पता चला कि रसूल आने के वक्त में ऐलान कर रहे हैं कि मैं नबी बनकर के आ रहा हूं, उम्मत का रसूल बनकर के आ रहा हूं, उम्मत का नबी बनकर के आ रहा हूं। रब्बे हबली उम्मती किसको याद किया? उम्मत को याद किया। हजरत फजल इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र मुनव्वर में रख दिया गया और मुंह खोला गया तो लोगों ने देखा, हमने अपनी आंखों से देखा कि आका के लबाए मुबारक हरकत कर रहे थे, आका के होठ हिल रहे थे। अब उन्होंने तो हैरत नहीं की, जानते थे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आजम से छुप जा रहा है। उनका तो ये अकीदा था ना, उनका अकीदा नहीं था, मक्के में टीम मिल गए, सहाबा का अकीदा था। हैरत नहीं की, हैरत इस पर नहीं हुई कि होठ क्यों हिला रहे हैं, हैरत इस पर हुई कि होठ हिलाकर कह क्या रहे हैं। कान लगाया, हजरत फजल बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि कान लगा के मैंने सुना तो आका उस वक्त भी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली ऐसी मोहब्बत करते हैं। जब आसमान में बिजलियां पड़ती थी, साइक्लोन, आज हम साइक्लोन में मस्तियां करते हैं, लेकिन मेरे रसूल जब देखते थे साइक्लोन है, अब आसमान में छाया हुआ है, बिजली की आवाजें कड़क रही हैं, तो आका सर को सजदे में रख के खुदा की बात का मैं अर्ज करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत को लिए, उम्मत के लिए ये बादल अजाब न बनाना, मेरी उम्मत के लिए अपना सुकून बनाना। क्यों? तारीख इस बात की शाहिद थी कि कितनी उम्मतें इस बादल की कड़क से तबाह और बर्बाद हुई हैं। ए मेरे मौला, ये बिजली कड़क रही है, आसमान पर बारिश है, साइक्लोन है, कहीं साइक्लोन कहीं तूफान मेरी उम्मत की तबाही के सबब ना हो जाए, उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। आज आदमी छोटे ओहदे से बड़े ओहदे पे चले जाए तो छोटों को भूल जाता, मगर मेरे रसूल को वो मिला जो किसी को ना मिला, जो किसी को ना मिला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मेरे मुस्तफा सा इंसान ना हुआ ना है ना होगा, कोई उन सा शाह शाहां ना हुआ ना है ना होगा। रुतबा मिले, कितना बड़ा रुतबा, बिला मकाम बुलाया, खुदा ने करीब किया, न कि मर्तबा किसी को ये मिला है ना मिलेगा, करीब किया, इतना बड़ा रुतबा। अल्लाह करीब है, जो चाहे वो मांग ले, अल्लाह जो चाहे दे दे, रसूल के चाहने पर दे दे, मगर अल्लाह ने 70,000 मर्तबा पूछा, रसूल क्या चाहते हो? अल्लाह ने 70,000 मर्तबा दरियाफ्त किया कि क्या चाहते हो? अल्लाह बार बार पूछ रहा है और नबी बार बार उम्मती 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 उम्मती
मेरे रसूल की तालीम में भी उम्मत ही के लिए नहीं दुनिया के लिए गमगुसारी और गमखारी पाई जाती है। एक एक फरमान रसूल देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आका फरमाते हैं, जब जूता पहनो तो झाड़ लिया करो। पूरी उम्मत नहीं, पूरी कौम, पूरी दुनिया के लिए जब जूता पहनो तो झाड़ लिया करो। क्यों? हमने खुद देखा है कि उसमें कोई कीड़ा हो सकता है, सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, मुझी जानवर हो सकता है, तुम पहनोगे तो तुम्हें तकलीफ और इज्जत हो सकती है। मेरे आका को यह भी गवारा नहीं कि अल्लाह की मखलूक में किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरे आका मुलाहिदा फरमा रहे हैं, अगर उम्मत को कांटा भी लगता है उम्मती को, तो आका को तकलीफ होती है। मुलाहिदा फरमा रहे हैं। तो एक मोहब्बत करने का यह भी सबब है कि जो रसूल हम से हर कदम पर, हर दम पर, हर मकाम पर हमसे मोहब्बत करे, तो हम क्यों ना उससे मोहब्बत करें, क्यों ना उससे मोहब्बत करें। उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं 70 और 60 हजार और 7 लाख माओ की मोहब्बत एक तरफ और मेरे रसूल की मोहब्बत एक तरफ। क्या कब्र में मां काम आएगी? मगर मेरे रसूल काम आए। मैदान महशर में कोई रिश्ता काम आएगा? कुरान कहता है यम्मा यफ़िर उल्मर वो मिन अखीह व उम्मीह व अबीह व साहबती व बनी। वहां कोई रिश्ता, कोई नाता काम नहीं आएगा, ना मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चा, कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो काली कमली वाला दाता काम आएगा, कहेंगे आओ नबी इस हमू इला गैली मेरे हुजूर के लब पर अना रहा होगा। माना गुनाहगार है उम्मत रसूल की, महशर में ढूंढ लेगी शफाअत रसूल। जो रसूल हमसे इतनी मोहब्बत करे और जिस रसूल की मोहब्बत हर जगह काम आए, जिस रसूल का सहारा दुनिया हो मैं हशर में, कब्र में, नश्र में, हश्र में हर जगह काम आए, उस रसूल से क्यों ना मोहब्बत की जाए। जन्नत अमाल के बलबूते पे मिले ये हो ही नहीं सकता। अमाल तो अल्लाह की नेमतों का बदल भी नहीं हो सकते। मेरी आखिरी बात और बड़ी गहरी बात कहकर रुख्सत होता हूं। हमारे आमाल, हमारी नमाजें, हमारे सज्दे, हमारे रुकू, हमारी तस्बीह, हमारी तिलावत, हमारी इबादत, हमारी रियादत, अल्लाह की जो नेमतें उनका भी बदला नहीं हो सकती। जन्नत मिलेगी तो सिर्फ रसूल की शफाअत से मिलेगी। फकत इतना सबब है इन खातिर बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, ये तो रसूल का मकाम समझ में आएगा। तो मेरे भाई आज का यही मैसेज है, आज का यही पैगाम है कि सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत रसूल से होना चाहिए। और मेरे लफाज नहीं है, हदीस और उसका तर्जुमा सुनिए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। उस वक्त तक तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप के तमाम जहां के इंसानों से बढ़कर सरकार से मोहब्बत न करे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। Johnny.
دارین کی نعمتوں سے مالا مال آمین اللہ ہماری آنے والا پورا سال برکت اور رحمت و مغفرت کر دے آمین اللہ اس محفل کی برکت سے جو خطرناک بیماری کرونا چل رہی ہے اللہ اس سے ہم کو نجات دے آمین یا اللہ میرے مولا پروردگار حفاظت کر آمین یا اللہ دارین کی نعمتوں سے مالا مال آمین ایمان کو سلامت رکھ آمین میرے مولا پروردگار ہر قسم کے مہلک مرض سے ہمیں محفوظ کر آمین دل کی تمناؤں کو پورا فرما آمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ملک میں سینیٹری پروٹوکول کے مد نظر اس سال محدود لوگوں میں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ اشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر مدنی جلوس میں حصہ لیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ نبی پہ مرتے ہیں میلاد نبی تو ہوگا یہ جتنا
مرحبا يا مصطفى مرحبا 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 يا مصطفى الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے وہ آئے زمین پر تو جگ مسکرایا زمین مسکرائی فلک مسکرایا انہی سے یہ گلشن جگہ لہلایا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ماہ ربیع الاول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ نبارہ صبح کا چمکا عرش پہ تارا آج کی رات برات رچی گئے آمین کے گھر دھوم مچی گئے آمین کے گھر دھوم مچی ہے دھوم مچی گئے دھوم مچی ہے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے آمین تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا عبداللہ کے گھر آنگن سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے ناظرین منعقدہ یہ مدنی جلوس دعا سے اختتام پذیر ہوا. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک اگر کوئی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ربنا تقبل دعاءنا ببركة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وببركة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفنا بسر أسرار الفاتحة. امت و ملت کو نجات عطا آمین. اللہ ہر مولی مرض سے ہم کو محفوظ آمین. میرے مولا جو بے اولاد ہیں اس مقدس دین کے صدقے میں ان کو اولاد والا آمین. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح آمین. اللہ جو بے قصور قید میں ہم کو رہائی عطا آمین. میرے مولا ہمیں اپنا خوف دے آمین. اپنے محبوب کا عشق عطا فرما آمین. اپنے پیاروں کی محبت مقدر فرما آمین. اللہ میرے مولا پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما آمین. ایمان میں پختگی عقائد میں درستگی اور اعمال میں شروع کی عطا فرما آمین. اللہ ہم سب کو اسی طرح سے ایک و نیک بنائے آمین. میرے مولا ہم میں اتحاد اور محبتیں پیدا آمین. سنتی سوسائٹی کو استحکام و بقا عطا ترقیاں عطا فرما. جو مشن ہمارے کاندھوں پر مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ تعالی چھوڑ کر گئے ہیں اس کو ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمارے اندر جذبہ ایمان پیدا فرمائے, بلبلہ ایمانی عطا فرمائے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. ہمیں حق اہل سنت و جماعت اور مسلک امام احمد رضا فاضل بریلوی پہ قائم و دائم. میرے مولا ہمارے ملک میں امن قائم فرما. اللہ میرے مولا ہر قسم کی بلا و وبا سے محفوظ فرما. سندھی رضوی سوسائٹی کو فتنوں کے فتنوں سے بچا, شریروں کے شر سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا. اس کے معاونین مخلصین محبین پیدا فرما. اپنے مقبول بندوں کی مقبول دعاؤں کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگ سکے اے دلوں کے حالات جاننے والے خدا
ہمارے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں پوری فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 جميل مولاي.